भाई इसमें देख रहे हैं ना, ऑयल की लीकेज तगड़ी वाली चल रही है, बहुत तगड़ी। और यहाँ लेवल देख रहे हैं ना, कितना मिनिमम से नीचे जा रहा है और ये मैक्सिमम लीकेज है। अब ऑयल डिस्चार्ज करो, बात खत्म। डिस्चार्ज पे गए, एन की पोजीशन में रखना है, पार्किंग ब्रेक अप्लाइड अप्लाई है। हाँ। ठीक है जी, इसका ऑयल किया उठा जी, वहाँ दिखाएंगे एक बार। हाँ, क्या हो रहा है जी? हाँ, ये कटकट आ रहा है। चलो अपने आप चल रहा है जी, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, तेल भी फुल हो रहा है, मिनिमम से मैक्सिमम आ रहा थोड़ा। हाँ चलो जी, चलो क्या बात है, ये सब छोटे स्कैनर से ही हो रहा है ना? बिल्कुल छोटे स्कैनर से उस्ताजी। देख लो जी उस्ताजी। हाँ, रीडर का कमाल है। चलो लेवल भी अब बढ़ रहा है, बढ़ गया जी लेवल, पूरा मॉड्यूल निकाल रहे हैं हम। चलो बस, लीकेज हो रही थी बुरी तरीके से, इधर दिखाओ जरा, ये रहा, ये देखो जी लीक तो ये भी कर रहा है जी, कलर सिलेंडर भी कर रहा है जी। पहले इस एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन कराते हैं, क्योंकि क्लीनिंग जरूरी है, तभी तो पता पड़ेगा कि नेक्स्ट लीकेज कहाँ है। इस एरिया को अच्छे से क्लीनिंग करा दिया हमने, पूरा बेहतरीन, देख सकते हैं आप, जो भी लीकेज था ये सारा लीकेज हमने बेहतरीन तरीके से क्लीनिंग करा दी। सबसे पहले हम ये देख रहे थे लीकेज क्यों होता है, आखिर लीक क्यों कर जाते हैं। तो लीक होता है अक्सर जो वोकिट होता है या फिर ऑयल रिंग होता है वो कट जाता है, उसकी वजह से लीकेज हो जाता है। ये कटता क्यों है जी? इधर आ जाओ जरा, पास ही ना हो, ये कटता क्यों है कभी आपने सोचा नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके ब्रेक ऑयल या जो भी लिक्विड फॉर्म है उसको चेक करेंगे क्या। ये देखिए, ये लग रहा है जैसे इंजन ऑयल है, इतना काला है कि आज तक सर्विस में चेंज नहीं हुआ, गाढ़ा देख सकते हैं, ये बिल्कुल पतला रहता, वाइट रहता बिल्कुल, लेकिन आज तक चेंज ही नहीं हुआ, किसी ने बदला ही नहीं, और ना बदलने की वजह से कीट फट गया, सड़ गया, गल गया। कुछ भी काम करूं उससे पहले मैं सोच रहा हूं पहले धुलवा लूं फिर काम शुरू करूं, एक एक कीट पेट जितने बॉकेट सॉकेट है सारे इसके रिप्लेस करूं। और ये बॉकेट जो होती है ये कट जाती है कुछ, और ये देखिए एक एक कट जाती है जिसकी वजह से लीक करने लगता है। ये बहुत ज़्यादा अंदर कार्बन देख रहा है ना, कितना ज़्यादा ये मट्टी अंदर दिख रहा है, जमा हुआ पड़ा है यहाँ पे कचरा सुजुकी के ऊपर। तो ये कचरे ने इसको नाश किया है, और मैंने जब ऑयल निकाला है इसका तो ये ऑयल निकला है, जहाँ डस्ट रह गया और डस्ट पार्टिकल्स इस ऑयल के अंदर मिक्स हुए तो क्या होगा, दोबारा से किट को ख़राब करेंगे। और किट बहुत महंगा है, देख सकते हैं आप 4920 रुपये का, अप्रोक्स 5000। तो सफाई भी इसलिए फोकस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अभी भी कई बार उससे थ्रोटल बॉडी क्लीनर से उसको काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ताकि ये जो गंदगी है इसके अंदर की ये सारे गंदगी निकल जाए और अच्छी क्लीनिंग हो जाए। क्लीनिंग पे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ अभी फिलहाल। साफ आ रहा ना बिल्कुल चकाचक। हाँ, ये लाइन क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। अभी पार्ट नंबर देख लो, ये पार्ट नंबर थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि दो पार्ट नंबर के साथ में आते हैं। इधर पास में दिखाओ, ये है जी सिस्टम, एक ये है। पहले हम इसे बिठाते हैं, एक बार चेक कर लें भाई, 00 है बिल्कुल, क्या बात है। ये ध्यान करना AMT एक्चुएटर फ्लूइड है, ये डलेगा इसके अंदर, और कस्टमर दुकानदार जो है ना ये दे रहे हैं ATF ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड, तो ये ATF नहीं डलेगा, ये गियर बक्से के अंदर डलेगा। सील दिखाओ जरा इधर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लुब्रिकेट चाहिए होगा हर हाल में, तो मैं क्या करता हूँ इसमें भी लगा देता हूँ भाई। सील का जो कट है, कट अंदर की तरफ जैसे नॉर्मल सील ठोकते हैं वैसे ही ये जाएगा, तो ऐसे जाएगा, इसमें भी जो बड़ा वाला कट है बाहर रहेगा ताकि स्प्रिंग उसी में बैठेगा। ये वाला चौड़ा है, ये इसमें स्प्रिंग नहीं बैठेगा, तो बाहर वाले में स्प्रिंग बैठेगा, तो इसको ऐसे डालना है, ठीक है जी। ये अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पेचकस लगाना पड़ेगा ताकि सील घूमे ना और पहले ही बाहर निकाल लो, ठीक है जी। अब धीरे धीरे सबसे बढ़िया जुगाड़ ये है, ठीक है। ये सील बिल्कुल 00 बैठ गई, बिल्कुल 00 है साइज़,
तो ठीक है, मॉडल दूसरा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाओ जरा, इसमें भी ऑयल थोड़ा सा लगाएंगे ताकि कोई भी सील गड़बड़ ना हो, क्योंकि कॉस्टली है इसलिए दिखा रहा हूँ। टाइम चल रहा है ना पूरा। चलो जी, ये है अपना स्लोली पहले बस बस वो लेके आओ जरा पिलास। मैं खुजा बस। ये हालांकि लोक नहीं होता, लोक अब यहाँ लगाएंगे, एरा लोक। इसमें मैग्नेटिक सिस्टम होता है ताकि दिक्कत ना करे। भाई कौन सा पिलास दे दी भाई, आउटर पिलास भाई, बिल्कुल ही हद कर दी भाई। बस भाई मजा आ गया गाड़ी के अंदर यार। अब काहे को लीक कर रहा है, जीवन में कभी लीक ना करे। यहाँ पर रहेगा, ठीक है जी, ये हो गया जी। इसमें एक पिन होता है, उस पिन के हिसाब से इसको फिट करना होता है। लो पेचकस दे दो भाई। डब्बे को अच्छे से साफ कर लिए इस मारे यार, डस्ट ज़्यादा था इसमें और ये डस्ट ही ख़राब करते हैं इसको। ठीक है जी, तो अब मैं इसको आराम से बस भाई। और एक पैकिंग जो है यहाँ लगेगी, इसमें हम लगाएंगे बोंड, अब बोंड लगा कर फिट कर देंगे भाई। पैकिंग और बोंड वहाँ से लगा दी हमने, सफाई करी ली और यहाँ की सफाई बिल्कुल जीरो जीरो हो गई। अब इसको फिट करते हैं यहाँ भाई। ये एक्चुएटर को रख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से बोल्ट वोल्ट सारे लगा लेते हैं और फिर इसे ऑयल को डालेंगे भाई। ये ऑयल पूरा कर रहे हैं, पूरा क्या, पूरा फुली डाल रहे हैं इसके अंदर। चल चल बस कर। तो ऑल री लर्नर जो लिखा हुआ ना, इस पे जाना है हमने। ये लिखा है द फंक्शन यूज आफ्टर रिमूविंग द ऑटो गियर शिफ्ट एक्चुएटर फ्रॉम द शिफ्ट डाउन, मेक श्योर डेट व्हीकल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, इंजन स्टॉप, इग्निशन ऑन, सेलेक्ट एन पोजिशन, पार्किंग ब्रेक अप्लाई। तो हमने हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, इधर दिखाओ, इधर हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, न्यूट्रल पे है, इग्निशन ऑन है, ठीक है। अब इधर दिखा लो, जो ये कह रहा है वो सारे चीज करना पड़ेगा उसको। ओके, अब कह रहा है टर्न द इग्निशन स्विच टू द ऑफ पोजिशन, बस टर्न ऑफ हो गया। अब ये कर दो ओके, 5 सेकंड के लिए बोल रहा है ये। अब स्विच ऑन करने के लिए कह रहा है, तो इधर दिखाओ, बस ऑन हो गया जी। अब ऑन हो गया, ओके कर दो। देखो जाके वहां से एक्चुएटर चले तो बताना। चार, ठीक है, न्यूट, पांच पांच न्यूट्रल करके फिर पांच, ये रिवर्स, ये खटाखट मार रहा है। अरे आराम से रुक जा भाई। चलो ये दिखाओ, टर्न द इग्निशन स्विच ऑफ, तो ऑफ करने तो इधर दिखाओ, बस ऑफ हो गया। मीटर में भी दिखा लो, बस इधर दिखाओ, ऑफ हो गया। अब ओके कर देंगे जी, 5 सेकंड के लिए पूछ रहा है रोकने के लिए। टर्न द इग्निशन स्विच ऑन, बस इग्निशन ऑन हो गया, इधर दिखाओ, ओके। स्टार्ट द इंजन एंड कीप आइडल स्टडी, ओके। गियर की लाइट ब्लिंक कर रही है, दिखाओ, ठीक है। 9, गियर की लाइट ब्लिंक करना बंद कर दिया जी। स्विच द ऑफ, गियर की लाइट दिखाओ, बंद कर दिया ना, ब्लिंक करना, हाँ ठीक है, इधर दिखाओ, स्विच ऑफ, इधर दिखाओ, ऑफ कर दिया, 5 सेकंड के लिए बोल रहा है। स्विच ऑन पोजीशन, तो ऑन, स्विच ऑन हो गया, इधर दिखाओ, ऑपरेशन कंप्लीट लिख रहा है, ओके कर दो, ठीक है जी। ये तो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, देखो ऑयल कितना पूरा है भाई, ये देखो पहले हटाओ। तो रीडर ने भाई, छोटा सा रीडर ने काम कर दिया और मैं चला के देखता हूँ गाड़ी।
अभी ऑयल मिनिमम पे पहुंच गया, ये चूंकि मैक्सिमम है ये मिनिमम है, तो मिनिमम पे पहुंच गया। अब हम इसको चला के देखते हैं, अंदर से सूखा है बिल्कुल। पांचवा ले लिया और सारे गियर स्मूथ लग रहे हैं, बढ़िया गाड़ी चल रही है, बिल्कुल बेहतरीन। अब चेक इंजन लाइट का चल के देखते हैं कि क्या है कहानी भाई। भाई अभी दोबारा से रीड फोल्ट कोट करते हैं। ये जो इनवाइलेट था और पहले करंट में था, अभी हिस्ट्री में चला गया, तो हिस्ट्री में ही जाना चाहिए। जब तक हिस्ट्री में नहीं जाता इसको रीसेट नहीं करना चाहिए। अब करंट में रहेगा तो रीसेट भी करेंगे तो क्या होगा, आ जाएगा। तो अभी मैं दोबारा से बैक करता हूँ, क्लियर फोल्ट कोड भाई, क्लियर फोल्ट कोड हो जा, ये क्लियर हो गया जी, रीड फोल्ट कोड भाई, किधर कैमरे में देख, तो बिल्कुल नो डीटीसी दिखा रहा अभी। तो चेक इंजन लाइट सारे चला गया, चला के आने से इतनी फायदा होती है भाई, गाड़ी ने तो मजा गाड़ दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मन के अंदर एक डाउट हो रहा था, क्लियर बताना जरूरी है, एंड तक देख रहे हैं तो सब कुछ मैं प्रॉब्लम बताऊंगा जो मेरे साथ होता है। लेट गियर जो है लेट चेंज हो रहा था, कई बार ढाई के करीब में जाके चेंज हो रहा था, सवा दो ढाई पौने तीन तक भी, 3000 RPM तक जाके चेंज हो रहा था। तो वो जो कोड आ रहा था, अभी मैंने दोबारा से कोड रीसेट करी और अभी ऑन रोड चला रहा हूँ। अब देखना जरा, कभी भी ऐसी दिक्कत हो कि लेट RPM हो तो दो काम कर लेना, एक तो कोई बार कोड आ रहे हैं, फोल्ट कोड आ रहे हैं, बार कोड कह रहा हूँ, फोल्ट कोड आ रहा है उसको रीसेट मार देना, और दूसरा चीज कि दोबारा से रीलर्नर कर लेना। हमने हालांकि नहीं किया, पर ये ऐसे ही बिना रीलर्नर के ही हो गया। फोल्ट कोड आ रहा था इसलिए लेट गियर चेंज हो रहा था, अभी बिल्कुल रीसेट मार दी। अब चला के देखते हैं, यहाँ दिखाओ जरा, क्योंकि अब मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। पहले तो न्यूट्रल है, यान पहला के पहला डी पे डायरेक्ट डाल दी, अब यहाँ मीटर पे देखते दिखाते रहो। ये देखो, देखो दो नंबर चेंज हो गया, ये देखो 2000 पे जाते जाते तीसरा, चौथा 2000 से पहले ही, ये अब देखो 50 पार किया, पांचवा चेंज हो गया। ठीक है जी, गाड़ी 60 पे चल रही है, 2000 पे सवा दो पे जाते जाते पांचवा गियर, पहले पांचवा गियर आपने नोटिस किया होंगे कितना लेट चेंज हुआ था। तो अभी गाड़ी क्या है कि गियर चेंजिंग में भी बिल्कुल सेट हो गई, 0-0 हो गई, हाई स्पीड के हिसाब से बिल्कुल 0-0 कर रही है गाड़ी, डाउन गियर भी मार रही है अपना ये। और थोड़ा सा जो है ना, जब चला रहे थे गाड़ी को, इधर कर लो जरा, जब गाड़ी में चला रहा था ना तो थोड़ा सा गैप महसूस हो रहा था बीच में, अभी जैसे टर्न पे दूसरा गियर लगना होता था तो थोड़ा सा बीच में एक गैप में महसूस हो रही थी। सब कुछ तो 0-0 था लेकिन गैप महसूस हो रही थी, तो हम कहा यार एक बार और देखते हैं, और रीसेट किया ना कोड, बिल्कुल 0-0 चला गया। तो कभी तकलीफ आए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि या तो रीलर्नर कर लेना आपने, या फिर कोड जो आ रहे हैं वो हिस्ट्री में जाना चाहिए बस। करेंट में आ रहा तो मत रीसेट मारना, हिस्ट्री में जा रहा तब रीसेट मारना, तभी सक्सेस है, वरना नहीं। अभी इतना गाड़ी चला लिया बिल्कुल 0-0 है, दिखाओ 30 पे गाड़ी चल रही है, तीसरे गियर में चल रही है। तो ये कहानी है, RPM दिख रहे था ना देखो, देखो बिल्कुल स्मूथ चलाए जाओ गाड़ी, देखो दो पे तो जाते जाते बिल्कुल गियर चेंज हो जा रहा है भाई, ये देखो दो पे भी नहीं गया तभी भी चौथा गियर लग गया, एक और गियर है। ये ध्यान से देखना होता है वीडियो को भाई, वैसा वाला वीडियो नहीं है, लफो चपो वाला, बिल्कुल ही 0-0 बनाता हूं मैं, जो प्रॉब्लम मैंने फेस करता हूं गाड़ी में वो डिट्टो आपके साथ शेयर करता हूं। तो मैं भाई ये ऑटोमेटिक का खोला, क्योंकि जिस कस्टमर की गाड़ी है ना उनका वेंटो भी मैंने करा था, वैगनआर भी मैंने करा, अब कह रहे यार AMT करो तुम ही, और कंपनी वाले थोड़ा सा पता नहीं कितना रेट वेट है तो मेरे को बताया नहीं, कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा बता रहे हैं, पता नहीं क्यों। हम हालांकि कंपनी से ऊपर नहीं है, कंपनी बेटर है, हम लोगों से लाख गुना बेटर है, पर वही है ना यार, बस हाथ लगा दिए, मैं कहा चलो यार रिस्क ले ही लेते हैं। मैंने उनसे बोला था सर मैं करा नहीं कभी, बोले मुकेश भाई तुम करोगे, कर लोगे 100%, इतना उनका ट्रस्ट है मेरे ऊपर। अब पूरी ईमानदारी से काम करिए, साफ सफाई, जेन्युइन पार्ट्स,
धोखाधड़ी है ही नहीं। तो गाड़ी माने एक नंबर की अब बेहतरीन बन गई है। अब बड़ी खुशी है हमें कि यार गाड़ी इतनी जबरदस्त बन गई, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था सच में। मैंने जब करा ही नहीं ये सब काम, लीकेज पीकेज का आज तक, तो मैं क्या बताऊंगा। पर कस्टमर का इतना ट्रस्ट देखिए मेरे ऊपर, तो पहले तो थैंक यू उनको कि इतना ट्रस्ट किए मेरे ऊपर और ये गाड़ी दिए मुझे, ये जानते हुए कि मैंने नहीं किया ये सब काम लीकेज का, लेकिन फिर भी दिए उन्होंने। तो हमने भी बहुत ईमानदारी से काम करी भाई साहब, बिल्कुल ही 0-0। जो जो परेशानियां थी वो मैंने बता दी। हमें जो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं 30 मार खा नहीं हूँ कि मैं बताऊंगा यार मैंने बतेरी कर रखी है ये वो, ऐसा वाला काम ही नहीं है, जानते हैं बिल्कुल ईमानदार आदमी है जी। तो जो सच्चाई है वो हम आपके साथ शेयर किए। हमने भी जब ये MT खोलने से पहले कम से कम 10-20 वीडियो देखी, पर बहुत कन्फ्यूजन है भाई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लिमिट एक तो होता है ना लिमिट, वो लिमिट से भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल रखी थी कुछ लोगों ने। कोई तो ये कह रहा था 3 ही बोल्ट होते हैं, जो कि 4 बोल्ट से खोलने पड़े इसमें यार। कोई दिखाता नहीं था फ्लूइड, ये सब बहुत तरह की चीजें। एक बार करके देख लिए जी कि रीऑर्डर हो गया जी गाड़ी, मजा आ गया। अरे कहाँ मजा आया यार, एक बार में मजा ही नहीं आया, फिर दूसरी बार में सेट आई तो ठीक है। बाकी एक बार लीकेज को चेक कराते हैं, आप लीकेज भी चेक करके तब वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं जानता हूँ मुझे कि बिना देखे मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, थैंक यू पहले तो, लेकिन देख के पूरा तब लाइक कीजिएगा। अभी लीकेज भी देखूंगा मैं। दिल से वॉच करने के लिए थैंक यू। अब चल रहा हूँ दुकान पे, एक बार लीकेज को चेक करके वीडियो को यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे किसी और नए वीडियो और अच्छे वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से राम राम। लेकिन लीकेज चेक कर लीजिएगा और दिल में जो बातें हैं ना कमेंट के जरिए बता सकते हैं हमें। अरे थोड़ी सी हमें भी उत्साह मिलेगा भाई, क्योंकि जब आप लोग कमेंट वमेंट करते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। देखते हैं कि हर एक वीडियो के कमेंट में हार्ट देता ही देते हैं, तो अच्छी बात है ना। अब एक बार रीड फोल्ड कोट करके दोबारा से देख लेते हैं कैसे वीडियो कैमरा को घुमा रहे हो भाई इतना। नो DTC अभी भी, कोई DTC नहीं है, तो चलो इसको निकाल लो भाई, यहीं पे बैक कर लो भाई। रीडर ने तो आज काम कर दिया, और ये वायरलेस रीडर है, 40,000 का हमने खरीदा था इसे राधिका कार्टेक इंडिया से। अभी ऑयल पूरा है जितना ऑयल रखे थे हमने, ठीक है जी, और बाकी तो सब 0-0 ही है। चलो बाकी चलेगी गाड़ी तो पता पड़ेगी। तो ये गाड़ी बिल्कुल हो गई बढ़िया, और ये गाड़ी है जी